नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको साथ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास जानकारी शेयर करना चाहूँगा। आपका पैसा खत्म होता जा रहा है, प्रॉपर्टियाँ बिकती जा रही है, कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी बढ़ रही है, आपसी मनमुटाव हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की किस दिशा में वास्तु दोष होता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं उस घर के अंदर देखने को मिलती है। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और समझिएगा। आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण, वायव्य कोण कहाँ पर आएगा आपके घर के? जब आपका उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा आपस में मिलती है, उस कोने को वायव्य कोण कहा जाता है, उत्तर पश्चिम का कोना कहा जाता है। आप अपने मोबाइल की डिजिटल कंपास से भी अपने घर के वायव्य कोने को चेक कर सकते हैं। गूगल अर्थ से भी आप अपने घर की वायव्य कोण को चेक कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर वायव्य कोण कहाँ पर बनता है। आप अपने घर के वायव्य कोने को चेक करें। यदि आपके घर के वायव्य कोण का फर्श का लेवल या छत का लेवल नीचा है, किससे? उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से या ईशान कोण से, यानी कि इस डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। यदि वायव्य कोण नीचा है, उत्तर पश्चिम का कोना नीचा है, नॉर्थ वेस्ट जोन नीची है, तो ये मान के चलिए उस घर के अंदर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी बिकती चली जाती है, पैसा हाथ से ख़त्म होता चला जाता है, आपसी कलह भी बढ़ता है और बाहर समाज में भी दुश्मनी बढ़ती है। कोर्ट केस, झगड़े, दुश्मनी होने के कारण बनते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन, पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण और आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से यदि वायव्य कोण फर्श के लेवल में ऊंचा होता है, तो इस तरह की समस्याएं ऐसे घरों के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ वायव्य कोण में यदि पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है या सबमर्सिबल लगा दिया जाता है या यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना दिया जाता है या पूरे घर की फर्श की ढलान वायव्य कोने में कर दी जाती है, तो इस तरह की समस्या उस घर के अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारी जगह देखने में आता है कि कुछ जगह गलत होने के बावजूद भी घर के अंदर इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। वो डिपेंड करता है वहाँ पर उस एरिया में कितनी ऊँचाई है और कितनी गहराई है। गहराई कम है तो कम इफेक्ट आएगा, गहराई ज़्यादा है तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ऐसे ही ऊंचाई ज़्यादा है तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ऊंचाई कम है तो इफेक्ट कम आएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी साउथ ईस्ट के अग्निकोण में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, जब ये दोनों दिशाएं आपस में आकर मिलती है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण कहलाता है। इस भाग के अंदर, इस दिशा के अंदर फर्श का लेवल ऊंचा होता है या नीचा होता है, तो उनके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पानी का अंडरग्राउंड टैंक हो या सबमर्सिबल लगा हुआ हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ हो या पूरे घर की फर्श की ढलान नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कर दी जाती है, तो भी इस तरह की समस्याएं उस घर के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का कोना यानी वायव्य कोण कटा हुआ हो तो भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। और वायव्य कोण बढ़ा हुआ हो, मान लीजिएगा वायव्य कोण उत्तर की दीवार से बढ़ा हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया कम होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाता है, यानी कि ये कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण 90 डिग्री लेस हो जाता है, तो भी इस तरीके की समस्या उस घर के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट की दीवार तिरछी होकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को बढ़ाती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस हो जाता है, तो भी इस तरीके की समस्याएं उस घर के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही आपकी पूरी बिल्डिंग घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यानी वायव्य कोने में आपकी अपनी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें आपका ईशान भी खाली है, पूर्व भी खाली है, आग्नेय भी खाली है, दक्षिण दिशा भी खाली है और नैऋत्य कोण भी खाली है, यानी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी नॉर्थ और वेस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बन जाती है, तो भी ऐसे घरों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है।
आपके साथ ऐसी समस्याएं आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को यानी वायव्य कोने को बिल्कुल साफ सुथरा करें, हल्का करें। यहाँ पर फर्श का लेवल नीचा है तो इसका लेवल बराबर करें, ऊंचा है तो इसको तोड़कर इसका लेवल इक्वल करें। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यदि आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनी हुई है और साउथ वेस्ट का एरिया खाली है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी इस बिल्डिंग को यानी कि जो आपकी अपनी ये बिल्डिंग बनी हुई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, अब बिल्डिंग को हटाना तो आसान नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को बनाना एक टाइम के लिए आसान होता है। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरी बिल्डिंग को वेस्ट में बना देते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में तो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो साउथ वेस्ट का हिस्सा खाली है, अगर आप इसको भी कवर कर लेते हैं, फ्लोर का लेवल भी इक्वल कर लेते हैं और छत का लेवल भी इक्वल कर लेते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं से आपको राहत मिलती चली जाएगी जब आप इस एरिया को बनाएंगे। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लगता है सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको कोई भी नहीं बताए हैं, मैंने सिर्फ एक ही काम बताया है कि आप यहाँ पर बिल्डिंग को बनाएं, यदि आपकी बिल्डिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनी हुई है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वास्तु दोष हो तो वहाँ पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको कंफर्टेबली एडवाइस देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य में बने हुए वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए या उनके कैसे उपाय किए जाए जिससे कि वहाँ का वास्तु दोष कम हो जाए, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।